गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे हम परसेंटेज वाला वर्ड यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी एक बच्ची है, ठीक है। सो शी सेड आई स्कोर्ड 89% मार्क्स इन माई टेस्ट। इसका टेस्ट हुआ था और इसने उसमें कितना स्कोर किया था, 89% मार्क्स स्कोर किए थे। ऐसे ही यहाँ पे एक बॉय है, ये बॉय बोलता है द प्राइजेस ऑफ ऑल वेजिटेबल्स आर हायर बाय 10% दिस ईयर। मतलब जो सारे वेजिटेबल के प्राइसेस है वो 10% से इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं इस साल। तो इन दोनों बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पे 89% की बात हुई है तो परसेंट वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे 10% की बात हुई है तो परसेंट वर्ड यूज हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इस परसेंट वर्ड से हम परसेंटेज पे कैसे जाते हैं। जैसे परसेंट इज सिंपली अ फ्रैक्शन विद 100 एज इट्स डिनोमिनेटर एंड डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ये हमारा परसेंटेज का सिंबल होता है। परसेंट क्या होता है हमारा, जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में शो करते हैं और हमारा डिनोमिनेटर 100 होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कि हम अपना नीचे एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, 38%। तो ये परसेंटेज कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ लिखूंगी 38/100, तो हम जानते हैं हमारा ये वाला न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में जब 100 लिखा होता है तो ये हमारा परसेंटेज के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 38% मीन्स 38 out of 100। टोटल हमारी 100% होती है, उसमें से कितना है, 38% हमारे पास आए। तो ऐसे ही नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, नितिन स्कोर्ड 88% मार्क्स इन दी मैथ्स एग्जाम। नितिन ने 88% मार्क्स स्कोर किए हैं अपने मैथ्स के एग्जाम में। तो इसका मतलब क्या है, जो 88% है, 88 out of 100 की 88 उसके कितने में से आए हैं, 100 में से 88% है। ऐसे ही थोड़ा और देखते हैं, When a number is expressed in the percent form, जब हम किसी भी नंबर को परसेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज, तो हम उसे परसेंटेज बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन दी हुई है 25/100, तो जब मैं इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखूंगी 25 और ये परसेंटेज का सिंबल लगा के, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 25%। तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे। ऐसे ही अगर मेरे पास ऑलरेडी परसेंटेज में है और मैं उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या बनेगा, 35/100 इस तरीके से। तो ये भी हमारा परसेंटेज हो रहा है, इसको हम 35% जो है प्रोनाउंस करेंगे इस तरीके से बोलेंगे और उसको भी 25%। तो वो हमारी परसेंटेज का सिंबल होता है और उसको हम डिनोमिनेटर के थ्रू और सिंबल के थ्रू दोनों तरीके से शो कर सकते हैं। सो अभी पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद 100 एज द डिनोमिनेटर। सो हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ फ्रैक्शंस दी हुई है, इस फ्रैक्शन को, इनके डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना और इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें 3/5 दिया हुआ है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाए। तो हमें पता है 5 2 10 होता है और उसमें जब हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो वो 100 हो जाएगा। तो सेम जैसे हमने डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई किया, वैसे हम न्यूमिनेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे चेक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है यहाँ पे, हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और जो हमारे पास यहाँ पे एक 0 है वो ऐसे ही आ जाएगी। ऐसे ही 5 2 10 और यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा जो एक्स्ट्रा 0 है। तो अब हमें पता चल गया ये क्या आ गया, हमारे पास 100 आ गया। तो हमें डिनोमिनेटर में 100 ही लेके आना था, ठीक है। इसी तरीके से हम एक सेकेंड सम करते हैं। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। 4 2 8 करेंगे और प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 9 9/4। तो अब हम इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, हमें डिनोमिनेटर को 100 लेके आना है। तो 4 से, जैसे कि अभी हम यहाँ पे इसको करा है, तो 4 को 100 में जब हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे तो हमने 5 में डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर अभी कहीं पे ऐसा हो सकता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम 100 को डिवाइड करेंगे 4 से और फिर चेक करेंगे कि हमारा कितने पर आएगा। 4 2 8, 4 5 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मतलब हमारा
25, और ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से, ठीक है। तो 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 225। ऐसे ही ये कितना हो गया हमारा 100। इस तरीके से हमें करना है इसको, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज। हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है, हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 1/10 दिया हुआ है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, ठीक है। कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन हो और हमें उसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम हमेशा उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरा 10 था, तो मैं 10 से जब इसको डिवाइड कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 100, तो ये कितना आ गया मेरा 10%, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगी, 6 × 6 = 5, 11/6 मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा सेम टेबल से जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये 2, 3 = 2, 5 = 10 और 50। और अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले जो हमारे दो नंबर आ रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11/5 = 55 और नीचे हमारा क्या आया, 3 आया। अब हमारे पास ये फिर से एक फ्रैक्शन आ गई है, लेकिन अब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले इसको डिवाइड करेंगे और वापस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि शुरुआत में हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही था। 3, 5, 3 = 24, 0, 3, 3 = 9 और ये हमारे पास 1 आया। तो अब जब हम मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे फॉर्म करते हैं, तो जो हमारा डिनोमिनेटर 3 होता है वो सेम रहता है, हमारा रिमाइंडर यहीं पर ही आता है, और जो हमारा 183 दिया होगा यहाँ पे वो हमारा इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी कभी हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ परसेंटेज। अब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास नंबर दिया हुआ है 0.05, तो इसको हमें डेसिमल जो फॉर्म में दिया हुआ है इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसको मैं परसेंटेज में कैसे चेंज करूँगी, इसको 100% से मल्टीप्लाई करूँगी। और जब आपको पता है हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो होती है, तो हमारे जो ये डेसिमल होता है वो नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है, तो 1, 2, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे पास दिया है यहाँ पे 2.3, सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया है, इसको डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो हैं इसलिए नंबर जो डेसिमल है वो 2 नंबर आगे शिफ्ट होगा, तो हमारे पास 23, तो 3 शिफ्ट हुआ और फिर एक और शिफ्ट हुआ। तो जब एक नेक्स्ट शिफ्ट होगा तो मेरे को उसके पीछे क्या लगानी पड़ेगी, 1 जीरो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर 1 भी 0 नहीं है, तब हमारा ये इतना आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास ये दिया हुआ है 213.5, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% के साथ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, डेसिमल 2 नंबर आगे शिफ्ट करना है, तो अभी तो यहाँ पे 0.5 से पहले, जब नेक्स्ट तो शिफ्ट होगा तो सेम तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, लेकिन 1 जीरो और इसके पीछे एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू अ फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है, जैसे 35% दिया हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। तो हमें पता है कि जब हम इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में शो करते, तो सबसे पहले हम 100 नीचे लगा देते डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि ये वाले जो दोनों नंबर है वो कौन से सेम टेबल में आते हैं, उससे फिर हम इसको उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ये दोनों 5 से कर सकते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 और 20। अब आपको दिख रहा है 7 और 20 सेम टेबल्स में नहीं आते हैं, तो ये हमारी लोएस्ट फ्रैक्शन हो गई 7/20। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो पहले हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 99 + 1 = 100/3%।
अब मैं यहाँ से जब परसेंटेज हटाऊंगी तो मेरा 100 नीचे चला जाएगा, तो वो 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरी कितनी आ गई है 1/3। तो ये मेरी लोवेस्ट फॉर्म आ गई। तो लोवेस्ट फॉर्म में परसेंटेज को चेंज करने के लिए पहले डिनोमिनेटर में 100 करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको डिवाइड करते, एक तरीके से कट करते कि कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है, जो सबसे लोवेस्ट फॉर्म आती है तब उसको हम वहाँ पे लिखते हैं। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू अ डेसिमल। अब हमें परसेंटेज दी हुई है और इसको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो पहले जो हमें 10% दिया हुआ उसको हम फ्रैक्शन में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो 100 नीचे लिखते हैं जब हम डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो अब क्या करना है इसको उसमें डेसिमल में चेंज करना है, तो जो ऊपर वाला नंबर है वो सेम रहेगा। नीचे कितने नंबर हैं, कितनी जीरोज हैं, 1, 2, तो ऊपर वाले नंबर में भी 1, 2 के आगे डेसिमल आ जाएगा, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है, लेकिन इन्होंने बोला है कि हमें परसेंटेज को पूरा हटाना है और फिर डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो हम वही सेम तरीके से डिनोमिनेटर में 100 लेके आएंगे और उसके बाद जो ऊपर वाला हमारा नंबर है उसको पहले हम सेम लिखेंगे। अब हमें यहीं से चेक करना है, ऐसे नहीं करेंगे इससे दो आगे, नहीं, जो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है उसके आगे ही चेक करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से 1, 2, तो हमारा यहाँ पे डेसिमल आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, परसेंटेज का साइन हटा के डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे, 425 लिखेंगे और नीचे दो जीरो हैं तो पीछे से दो के आगे डेसिमल, 1, 2, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। सो इसी तरीके से हमें हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लें। थैंक यू।